हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारे से बहुत ही कारगर घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ, तो सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर एक, खाना बनने के बाद खाली चूल्हे पर तवा ना रखें। गैस बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके ऊपर ना छोड़ें। नंबर दो, काफ़ी लोगों की आदत होती है कि शाम का खाना बनने के बाद वह तवे को धोते नहीं हैं। आपका ऐसा करना अन्न को अपमानित करने के समान माना जाता है। शाम को खाना बनाने के बाद हमेशा धोकर तवा और सुखा कर रखना चाहिए। गंदा तवा और कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत से शिकार हैं, तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। रंगों के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा ऐसे ही ना रहने दें, उसे धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। नंबर चार, सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है, और नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्ची या हल्दी ना हो। नंबर पाँच, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं, उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर छः, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तो उसे ऐसी जगह रखें कि वह सब नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी लोगों की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। नंबर सात, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां पर खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर नौ, तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर दस, गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें, क्योंकि इससे निकलने वाले आपके जीवन में मुश्किल का कारण बन सकती है। नंबर ग्यारह, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा, किस्मत उतनी ही निकलेगी।